स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि हम एक कंप्यूटर पे यूजर अकाउंट्स कैसे बनाएंगे और यूजर अकाउंट से मुतालिक कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। यूजर अकाउंट के लिए आप माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे। यहां आपके सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट कंसोल ओपन हो जाएगा, जहां पर आप लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स की मदद से यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहां लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे, यूजर्स, और यहां आपके यूजर्स की लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स को ओपन करने के लिए आप शॉर्ट कमांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टार्ट में जाएंगे lusrmgr.msc। लोकल यूजर मैनेजर को ओपन कर देगा। दोनों तरीकों से आप यूजर अकाउंट के अंदर चले जाते हैं और यहां से आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहां भी यूजर्स का ऑप्शन मौजूद है और इन केस में मैनेजमेंट के जरिए करना चाहता हूं। मैं यूजर के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, न्यू यूजर कमांड पे क्लिक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक यूजर बनाना है जिसका नाम है पिक्ट। यूजर का फुल नेम डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो दे दें, नहीं तो जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज यूजर नाम। जब आप रखेंगे स्टूडेंट्स, यूजर के नाम के मुतालिक आपकी कुछ कन्वेंशंस हैं कि नाम रखते हुए यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, यानी कि एक नाम के दो यूजर अकाउंट्स आप नहीं बनाएंगे। यूजर नेम केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसे छोटी एबीसी में लिखें, बड़ी एबीसी में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजर नेम 128 अल्फाज से बड़ा नहीं होना चाहिए। यूजर नेम में आप सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपली सिंपल यूजर नेम रखेंगे। नेक्स्ट इज पासवर्ड। पासवर्ड देने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट, पासवर्ड मस्ट बी कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू गेस। पासवर्ड कम से कम 8 अल्फाज का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 128 अल्फाज का। पासवर्ड में कैपिटल्स भी हों, स्मॉल्स भी हों और नंबर्स भी हों, सिंबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे पासवर्ड रखता हूँ एम कैपिटल CSE 2050, शिफ्ट एम CSE 2050। पासवर्ड यूजर को चेंज करना चाहिए, इस ऑप्शन को हटा देंगे। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड एंड पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स। ये आप एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से यूजर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि यूजर पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकता और यूजर का पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा। क्रिएट करेंगे और क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके यूजर्स की लिस्ट में एक नए यूजर अकाउंट का इजाफा हो चुका है। इन द सिमिलर वे, आप न्यू यूजर पे क्लिक करें। आप जितने यूजर अकाउंट्स बनाना चाहें बना सकते हैं और उन्हें जो पासवर्ड असाइन करना चाहें असाइन कर सकते हैं। यहां आप यूजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं यूजर की कैटेगरी में। डियर स्टूडेंट्स, यूजर के साथ रेलेवेंट आपके पास नेक्स्ट है ग्रुप्स। ग्रुप इज अ कंटेनर दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन यूजर्स। फॉर एग्जाम्पल, विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप है। यहां पर बाय डिफॉल्ट दो अकाउंट्स, एक माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर और एक मेरे नाम का यूजर अकाउंट है। इन दोनों को हमने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स दिए हुए हैं। एक्सेस कंट्रोल असिस्टेंट, बैकअप ऑपरेटर, साइटोग्राफिक ऑपरेटर, ये सारे कंटेनर्स हैं जिनमें आप यूजर अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज क्योंकि एंटरप्राइज सॉल्यूशन है, यानी कि एक एंटरप्राइज की तमाम यूजर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है, इसलिए आपको ये ओयू या ग्रुप का ऑप्शन दिया गया है। तो ग्रुप बनाने के लिए
आप ग्रुप पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां कहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर हमारे पास ऐड करेंगे एडवांस्ड फाइंड नाउ यूजर अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर, हमारी इस कैटेगरी में आ जाता है एडवांस्ड फाइंड नाउ यूजर अकाउंट सरदार अजीम हमारा मैनेजमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। ओके करेंगे, ये दोनों यूजर्स यहां पे ऐड हो जाएंगे, क्रिएट कर देंगे। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो ये मैनेजमेंट का ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। यस स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 50 यूजर्स हैं, अगर आप कोई सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई करेंगे ग्रुप पॉलिसी, तो वो ये पूरे ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगी, यानी तमाम के तमाम यूजर्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इन द सिमिलर वे, फॉर एग्जाम्पल हम एक और ग्रुप बनाते हैं न्यू यूजर न्यू ग्रुप, एंड इसको नाम मैंने रख लिया अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ग्रुप है और इसमें जो यूजर्स हैं एड एडवांस्ड फाइंड नाउ, एक यूजर है यूजर वन एडवांस्ड फाइंड नाउ, सेकेंड यूजर है यूजर टू। ये दोनों यूजर्स हमारे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। इन द सिमिलर वे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट्स हैं आप क्रिएट करेंगे और उनके डिजायर्ड यूजर अकाउंट्स को यूजर्स में क्रिएट करने के बाद उनके ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं। दैट्स हाउ डियर स्टूडेंट्स आप ग्रुप बना सकते हैं। नाउ एक यूजर जब आप क्रिएट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यूजर के नेम को चेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे क्रिएट चेंज करेंगे? सबसे पहले तो आपने एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से लॉग इन करना है, माई कंप्यूटर राइट क्लिक, मैनेज में जाना है, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स पर क्लिक करके यूजर्स पे क्लिक करेंगे, डिजायर्ड यूजर अकाउंट को राइट क्लिक, रीनेम, रीनेम करके आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका नाम पे अकाउंट्स वन रख दिया, आप देख सकते हैं ये नाम चेंज हो चुका है और ये यूजर्स लॉग इन डायलॉग बॉक्स पे भी यही नाम डिस्प्ले होगा। इन केस डियर स्टूडेंट्स आप एक यूजर अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, आप लोकल यूजर्स एंड अकाउंट यूजर्स और डिजायर्ड यूजर अकाउंट पे राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन है डिलीट। ये आपके यूजर अकाउंट को विंडोज की सैम फाइल में से, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजमेंट सैम फाइल में से रिमूव कर देगा और ये यूजर अकाउंट आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स आप चाहते हैं जी कि इस यूजर अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर दें, राइट क्लिक सेट पासवर्ड, देन प्रोसीड। आफ्टर प्रोसीड आप इसको एक नया पासवर्ड दे सकते हैं, आपके यूजर अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। चेंज करने के बाद आप इस यूजर को नए पासवर्ड के साथ लॉग इन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स आप चाहते हैं जी कि एक यूजर अकाउंट को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दे दिए जाएं, तो आप कैसे देंगे? आप माय कंप्यूटर राइट क्लिक मैनेज में जाएंगे, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी सेलेक्ट करेंगे यूजर अकाउंट को, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद मेंबर ऑफ एड एडवांस्ड एंड फाइंड नाउ, फाइंड नाउ में करने के बाद आप यहां पे यूजर अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर की कैटेगरी में लाना चाहता हूं, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर चूज कर लिया। ओके अप्लाई। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये यूजर एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी मेंबर है और यूजर्स कैटेगरी का भी मेंबर है, यानी कि अब यूजर पिक्ड के पास वो तमाम राइट्स हैं जो कि आपके सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर के पास हैं। इन केस आप ये राइट्स इससे लेना चाहते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे और इसी यूजर अकाउंट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, मेंबर ऑफ और एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स को रिमूव कर देंगे, अप्लाई, ओके। अब ये एक सिंपल यूजर अकाउंट है। दैट्स हाउ डियर स्टूडेंट्स यू कैन क्रिएट द यूजर अकाउंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 for networking, for the local use also. Thank you very much.